अमर पासवान की बड़ी बहन हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? ललिता देवी। ललिता देवी, अच्छा हाँ। आपकी शादी कहाँ हुई है? वो जहाँ विधानसभा में ही आता है? नहीं नहीं, हम लोग सीतामढ़ी जिला में। अच्छा, सीतामढ़ी जिला में। अभी आप यहाँ पर आई हैं, आपके भाई जी को RJD से टिकट मिल गया है, क्या लगता है किस प्रकार का पारिवारिक माहौल है? पारिवारिक माहौल तो बहुत अच्छे है। VIP से होते तो बढ़िया होता, कि RJD से आए हैं तब बढ़िया है। VIP से तो अच्छे नहीं होता, इसीलिए कि उसमें टूट हो गई है ना। VIP में तो टूट चल हो गई, इसलिए VIP में ही सीट मिल रहा था, लेकिन VIP से नहीं, लालटेन से लोग RJD से चला गया। अच्छा, अमर जी को BJP से नहीं कोशिश कर लेना चाहिए था? BJP तो VIP का, दोनों का तो गठबंधन था, तो ये लोग तो अपने आपस में ही दोनों ये हो गए, लड़ गए, तो ये आपस में लड़ गए, इसलिए इसको मतलब जाना पड़ा RJD में। BJP में नहीं जा सकते थे? नहीं, BJP NDA में जाते तो सरकार के हिस्सेदारी में भी निभाते अपनी भूमिका। नहीं तो ये तो चाहत था कि जाते, लेकिन वो जो बेबी कुमारी को जो खड़ा करा दिए, तो इसलिए इसको RJD में जाना पड़ा। समीकरण बिगड़ गया, बिगड़ने के कारण जाना पड़ा। मतलब विकल्प कोई नहीं था तो चलो RJD में चले। फायदा मिलेगा RJD में जाने का? फायदा तो मिलना चाहिए, कोशिश तो पूरा किया जा रहा है। परिवार में क्या गॉसिप चल रही है, क्या गुड़बुड़ गुड़बुड़ अंदर? परिवार में तो चल रही है कि चलो अच्छे हो दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में परिवार ने दुख झेला है, दिवंगत नेता हो गए मुसाफिर पर, बहुत बड़ा दुख। अभी पापा रहते तो अभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऊपर वाली को वही ना, तो इतना खुशी उनको, मतलब हर आदमी मना करता था कि आप खड़े नहीं हो, ये भाई कहता था पापा आप सही से आते हैं, लेकिन विधि के विधान उनको इतना चाहत था कि वो कहते थे कि जनता के बीच में कि हम इस बार लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, और उनको लड़वाया गया, और लड़ाने के बाद उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। मेहनत हुआ और मेहनत किए, उसके बाद जितने जनता के बीच जब जाते थे तो जनता पानी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, थोड़ा मिठाई खा लीजिए, तो ये सब तो अब अगर हम थोड़ा सा नहीं खा रहे हैं, उम्र भी हो गई थी और नहीं खाते, तो अभी कल होके कहते कि आए हैं हम, मेरे दूरापर नेताजी और कुछ लिए नहीं, बड़े बनने के चक्कर में नहीं, कि नहीं लोग कहते हैं कि जो गरीब है तो हमारे दरवाजे पर वो आए हैं तो कुछ नहीं लिए, तो अच्छा नहीं उनको लगता था कि हम थोड़ा कुछ पानी पी लेते, तो इसी दरमियान उनको ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ने लगा। कि जितने के बाद जब पब्लिक से मिलने जाते थे तो कुछ मीठा खा लिए, कहीं दही मिल गया, कहीं कुछ मिल खा लिए, कहीं दही मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, उसके दरमियान उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ने का भी था। अभी भाई भी मेरा कहता है कि पब्लिक के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग खिलाता है, तो खाना तो पड़ता है, सब आदमी मेरे अपने हैं तो देना है, और उनकी तो सेहत ही तो नौजवान है तो हर चीज़ को मेंटेन कर ले रहा है। और अभी का जो माहौल है, ऐसे में पापा की याद आ रही है? बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा है, बहुत याद आती है। अच्छा, हताश मत होइए, ये तो भगवान का लिखतन है, कोई नहीं मिटा सकता। बहुत उनकी याद तो खर काफी आती है। आज अगर होते तो अमर पासवान जी को RJD से टिकट मिला है, इतनी बड़ी उपलब्धि है मान के देखा जाए तो एक अलग ही अंदाज की खुशी रहती। हाँ, बहुत खुश रहते हैं आज, मतलब हो रहा था, मेरे बच्चे लोग कहते थे कि मामा नाना आप नहीं खड़े हुई, मम्मी क्यों खड़ा कराई, लेकिन वो कहते थे कि नहीं हम अभी अवेलेबल है तो हम ही खड़ा हूँ, बीच में हम ही जाएंगे, तो आज ये हुआ। चलिए, पब्लिक तो बहुत चाहत रखी है कि अमर पासवान को हम जिताएंगे लाएंगे। अमर जी अभी नए हैं, नवयुवक हैं, और देखिए हम चुनावी बातचीत पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग वर्ग है जो पुराने RJD के कार्यकर्ता भी हैं और आपके परिवार से भी बड़ा अच्छा पैठ है, वैसे लोगों से अभी ये संपर्क बना पाने में अधूरापन रख रहे हैं। पापा बहुत ज़्यादा ही मतलब 400 कुछ है। अमर जी पापा के अपने विरासत को संभाल पाएंगे, जितना बड़ा विरासत वो बना के चले गए? तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि संभाल लिया है, अभी तक तो संभाल लिया है। अभी आपको नहीं लगता कि अभी इस मौजूदा हालात में अगर पिताजी होते तो और बेहतर ढंग से संभाला? ये तो बेटर होता ही, पापा रहते तो ज़्यादा बेटर रहता हो, कि उनको सपोर्ट रहता कि भाई एक गार्जियन के रूप में सपोर्टर हैं, लेकिन अमर के पास तो सपोर्टर नहीं रह गया, वो खुद अपने पैर पर खड़े हैं, लेकिन जितने दिन से पापा मरे हैं उसके बाद से उस विरासत को ले कर चल रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि आगे भी अच्छा करेगा।
पिता का साया हौसला देने का काम। हाँ, बहुत उसके पिता के माथा पर साया छोड़ के जाने के बाद जब दिल्ली में हम लोग थे तो बड़ी मतलब ये करता था कि पापा को नहीं रहने के बाद हम कैसे ही संभाल लेंगे, लेकिन संभाल रहा, अच्छे से संभाल रहा है, बहुत अच्छे से संभाल रहा है। अकेले में कहीं नर्वस तो नहीं होते हैं कभी? नहीं, कभी नर्वस नहीं होता है। पढ़े लिखे तो हैं, समझदार तो है ही, तो नर्वस होने की कोई इतना बड़ा मतलब, अगले बार में भी ज़्यादा तो वही उसी का दौर भाग रहता है, पापा तो कम करते थे लेकिन ज़्यादा तो दौर भाग इलेक्शन में वही किया करता था, इसलिए उसको अनुभव ज़्यादा है। हाँ, अनुभव। परिवार के लोग सब ठीक हैं? हाँ, पूरे सब सभी सकुशल हैं। सकुशल हैं, सभी लोग सकुशल हैं, खुशी की लहर है। हम लोग सात बहन हैं, सब आदमी आके कल को। चुनौती तो बड़ी है। बहन है, सब आदमी आके कल को। चुनौती तो बड़ी है। बड़ी है। तो बहन जी कितने दिन तक रुकेंगी? जितने दिन से आप आना जाना लगा, हमारे तो यही मुजफ्फरपुर में ही घर है, गुप्तसही में, तो आना जाना तो ही लगा ही रहेगा। राय सलाह मशवरा होता ही रहता है। अमर पासवान जी राय सलाह लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, घर में हम बड़ी बहन है, पापा भी मेरे रहते थे तो हर बात का हमसे मतलब शेयर करते थे। कैसे हैं अमर जी? कभी गुस्सैल, जैसे किसी बात पर भड़क जाना, चिढ़ा जाना? जल्दी नहीं गुस्साता है, कंट्रोल रहता है। हाँ, गुस्सा कंट्रोल रहता है। क्या लगता है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी मिलनसार टाइप के रह सकते हैं? एकदम रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि चुनाव में खड़ा है इसलिए? ऐसा नहीं। और इंटरव्यू भी चुनाव के टाइम में ही हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। वही एक कमी रह गई जो भगवान ने लिखी। हाँ, वही पापा रहते तो आज ज्यादा ही ये रहता। बेटा को आगे बढ़ते देख, बेटा को आगे बढ़ते देख कर हाँ, किसको खुशी नहीं होती? खुशी रहता है। वो दृश्य आप भी मिस कर रही हैं? पापा को रहना तो खैर हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत। हम लोग को लगता था कि पापा हैं तो बहुत मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पापा को नहीं रहने से बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। चलिए, हताश मत हुई, आपके पापा ने बहुत कुछ करके गया है जनता के लिए, और जो करके गए हैं वो जनता कितना एक्सेप्ट करेगी वो आगे पता चलेगा। आज तो वो नेता बने थे, जब वो नेता नहीं थे तो इतने पब्लिक के जॉब दिए थे, FCI में मतलब 400 कुछ लेबर को जॉब दिलाए, आज जॉब देने के बाद वो ऐसे जनरल आदमी थे। आप तो खैर नेता बनते तो बहुत कहते थे कि बेटा अब हम जीते हैं ना, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमको करना क्या है, हम तो खुद अपने पैर पर कमा के इतना कर लिए, हमको विरासत से मतलब इलेक्शन के ऐसे ही हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, हम लोग तो सिर्फ कहानी सुने हैं, आपके पिताजी का दिवंगत नेता हो गए हैं, तो मुसाफिर पासवान जी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत निचले स्तर से उठकर आए हैं, वो भी वहाँ पर काम करते थे। बड़ी बेटी है ना। अच्छा। हम तो बहुत नीचे से उनको देखे हैं ना। करीब से आपने पापा को देखा? हाँ, बहुत करीब से देखे हैं उनको, इसलिए उनका अनुभव मतलब हम लोग देख रहे हैं कि बूढ़ा ढोना माथ पर मतलब नैनपुर से यहाँ माड़ीपुर, पहले माल गोदाम था, वहाँ से माथा पर मकई लाना, चना लाना, ये सब बोरा जब लेबर में खटते थे तो माथ पर ढोके वहाँ से लाते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब। तो अपना परिश्रम के कारण इतना। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अभी चुनाव का मौसम है इसलिए ये सवाल रहेगा कि जो भी लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं, आपके वजहां विधानसभा के वोटर हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उन लोग के लिए हमारी संदेश यही है कि हमारे भाई को वो लोग अच्छी तरह से, जैसे पापा को जिता के वो लोग मतलब भेजिए हैं, उसी तरह में मेरे भाई को भी जिता है लोगों, सब लोगों से आशीर्वाद है उन लोग का, जो वो लोग भी जिता के हमारे भाई को भेजा, उनके क्षेत्र के जो लोगों हैं उन लोग को काम धंधा जो है वो अच्छे तरह से ही देखे अमर पासवान। और जनता को क्या चाहिए, जनता को तो यही जनता चाहिए। जनता के लिए पापा वाली कमी पूरा कर देंगे अमर पासवान? हाँ, जरूर करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अमर पासवान की बड़ी बहन, जो अपने पिता के भी काफ़ी करीब रही और भाइयों को भी एक माँ का प्यार की तरह प्यार करती रही। अमर पासवान को लेकर के खास यह हमने बातचीत करने की कोशिश किया कि जितना बड़ा कद मुसाफिर पासवान जी का था, क्या उस विरासत को अमर पासवान संभाल पाने में सक्षम होंगे या नहीं। पूरा बातचीत अगर आपने सुना है तो आप खुद तय कर लीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपके विचारों से क्या लगता है। खास तौर पर बुचहां विधानसभा क्षेत्र के अगर आप वोटर हैं और आप चाहते हैं हमसे बात करना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और अपना नंबर जरूर छोड़ जाइए एड्रेस के साथ में। हमारी टीम लगातार आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, हम आपके गाँव के भी खबरों को दिखाएंगे, मुद्दों को दिखाएंगे, और ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों से जब भी हमारी मुलाकात होगी आपके मुद्दों पर जरूर इनसे सवाल करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।